अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द टीम। अच्छा फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको जो है मोबाइल के साथ आप यूट्यूब वीडियो किस तरह एडिट कर सकते हो, उसमें अपनी मर्ज़ी की चेंजेस किस तरह कर सकते हो, जिस तरह आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के ज़रिए जो कि मुतासिया है या एडोब प्रीमियर लीव वगैरह के ज़रिए करते हैं, तो आप अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप जो है ये सारी सेटिंग मोबाइल से एंड्रॉयड से किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊँ। अच्छा, आपको करना क्या होगा, आपको जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम देखिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ लेकिन डाउनलोड भी कर रहा हूँ। देखिए आपको जो है ये काइन मास्टर, देखिए काइन मास्टर को आप जो है डाउनलोड करें। आप इस पे जो है कमेंट्स भी देख सकते हो। अब देखिए ये ओपन हो चुकी है, देखिए आपको जो है क्या करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू, अब यूट्यूब के लिए आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो आपको जो है ये 16 और 9 की नस्बत एस्पेक्ट रेशो रखनी होगी। ठीक है, ये वीडियो के लिए है यूट्यूब, आप इनके अलावा बना सकते हो, बहुत ही एस्पेक्ट रेशो इसमें वीडियो बनाने के मुख्तलिफ। देखिए आप फोटो डिस्प्ले मोड में जो है आप फिट फिल और रेंडम, ठीक है, अगर आप फोटो पे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं फोटोज़ वगैरह पे, और फोटोज़ की ड्यूरेशन यहाँ से फिर सेट कर देते हो, सेट कर सकते हो, मतलब आपके पास 8 सेकंड होने चाहिए। तो नॉर्मली जो है 4.5 एक ये डायरेक्टली जो है फ़ोटो के लिए दे देते हैं। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो, कम रखना चाहते हो, यहाँ मतलब फ़ोटो वगैरह पे आप एडिटिंग करना चाहते हो, कोई वीडियो बनाना चाहते हो तस्वीरों पे, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी वीडियो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, कोई भी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जो निशान है इसी पे क्लिक करें। ठीक है, अब वीडियो जो है इस फ्रेम में आ चुकी है। अब आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हो, ओवर वॉइस भी कर सकते हो। देखिए इसके लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट, यानी जहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, देखिए इसी पे क्लिक करें इस वीडियो के, और रिकॉर्डिंग जो है कहाँ से करना चाहते हो, ठीक है, वहीं से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आप इसकी आवाज़ को कम बेश कर सकते हो, आवाज़ को बढ़ा सकते हो, अगर आपकी वीडियो की आवाज़ कम, इसकी पिच को आप कम बेश कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ऑडियो। आप यहाँ इस ऐप के रिकॉर्डेड सॉन्ग, अगर आप सॉन्ग ऐड करना चाहो, सॉन्ग भी मतलब वो सॉन्ग जो बग़ैर कॉपीराइट के हो, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो पे क्लिक करें तो आपके पास जो है ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप कहीं से इसको कट करना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिम टू लिफ्ट अप फ्लैट, लेफ्ट साइड पे अपनी अगर आप ट्रिम करना चाहो, कट करना चाहो, देखिए ये कट हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो निशान है ये एक अंडू के लिए है, दूसरा जो है रेडू के लिए है। ठीक है, देखिए आप कैसे आप देख सकते हो, अब इसके बाद जो है इसी वीडियो पे क्लिक करें। अच्छा, अब इसी वीडियो पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कट करना चाहो तो सिंपली आप जो है इस बॉक्स पे जो है क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। अब आपको जो है इस वीडियो के इस लेयर पे, देखिए ये लेयर है, इसी पे क्लिक करें,
अब क्लिप ग्राफिक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी ग्राफिक आप इसको देना चाहो दे सकते हो, मतलब कौन सी डिज़ाइन में कौन से रंग में आप इसको करना चाहो। मैं इसको नान रखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी पे दोबारा क्लिक करें, वीडियो पे स्पीड पे क्लिक करें। आप अपनी वीडियो की जो स्पीड है उसकी आवाज़ को मोड करना चाहो, मोड कर सकते हो की पिच, तो आप इसके पिच को जो है कम बेस कर सकते हो। और अगर आवाज़ बिल्कुल बंद करना चाहो तो इसको मोड कर सकते हो, देखिए यहाँ से मोड कर सकते हो, उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो आप अपनी मर्जी के इसमें अच्छा, इसके बाद फिर क्लिक करें। अगर आप किसी हिस्से को रिवर्स करना चाहो तो ये रिवर्स कर देते हैं, मैं काम कर दे रहा हूँ। रोटेट मेटरिंग मतलब ये जो है उल्टा भी कर दे। अच्छा, कलर फिल्टर कौन सी कलर में करना चाहते हो भी कर सकते हो, मतलब मैं इस तरह कर सकता हूँ। बेसिक और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। वीडियो पे वापस क्लिक करें। अब यहाँ पे वापस ट्रिम में आ जाते हैं तो वीडियो पे क्लिक करें और कट। अब आप जो है मतलब कौन सा है स्प्लिट एक्सप्लेन है या स्प्लिट एंड इंसर्ट थ्री फ्रेम, फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ, देखिए स्प्लिट हो गया है। इसी पे वापस क्लिक करें। अब स्प्लिट के साथ जब मैं ये हिस्सा जो है उतारना चाहता हूँ, इसी पे क्लिक करें। देखिए अब इसी हिस्से पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी तरह आप जो है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम ये भी कर सकते हो, स्प्लिट एंड हिट भी कर सकते हो। लेकिन शुरू में जो है ये स्प्लिट हो गया है, तो बहुत ही ऑप्शन है। आप जो भी ऑप्शन देना चाहो एडजस्टमेंट पे आ जाए। देखिए ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो कम बेस। तो यही काइन मास्टर की कैप्चर एंड सेव। अगर वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आप कैप्चर एंड सेव, कैप्शन ऐड एज अ क्लिप, कैप्शन ऐड एज अ क्लिप, बहुत ही ऑप्शन है इसमें। तो इसी तरह आप जो है यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन सी क्वालिटी में करना चाहो एक्सपोर्ट। देखिए आप जितना भी इसको बढ़ाओगे तो इसकी जो है MB जो है ज़्यादा होती जाएगी। तो आप कौन सी जो क्वालिटी उसमें करना चाहते हो। तो यही वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।